जब भी आप स्लम एरिया का नाम सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या विचार आता है? काफी लोग बोलेंगे कि स्लम एरिया में घर छोटे होते हैं, लोग कम पढ़े लिखे और लो स्टैंडर्ड के होते हैं। स्लम एरियाज में घर की हालत और गलियों की हालत काफी बेकार होती है, पर ये लोग जितने भी गरीब हो या कम पढ़े लिखे हो, अपने रोज के जीवन के लिए कुछ न कुछ मेहनत तो करते ही हैं, क्योंकि स्लम्स में रहने वाले लोगों को कोई काम छोटा या बड़ा नहीं लगता है। जैसे आज के वक्त में महिलाएं घर के बाहर जाके जॉब करती है, उसी तरह स्लम्स में रहने वाली महिलाएं भी काम करती है, जैसे टिफिन, बिंदी, इमिटेशन, ज्वेलरी, ऐसे कई छोटे मोटे काम करती है। और इसी तरह स्लम एरियाज में भी लोग काफी अच्छी तरह पैसा कमाते हैं। ऐसा ही एक स्लम एरिया के बारे में आज मैं आप सबको बताऊंगी, जो काफी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग स्लम एरिया है। और ये स्लम एरिया वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है। लार्जेस्ट स्लम एरिया से आप समझ गए होंगे कि मैं किस स्लम एरिया की बात कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो में धारावी के बारे में जानेंगे कि कैसे धारावी में सबसे ज्यादा छोटे व्यवसाय भी चलते हैं और इन व्यवसाय से लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है। तो धारावी से जुड़ी कुछ और बातें देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। धारावी स्लम एरिया के नाम से काफी मशहूर है, लेकिन ये स्लम एरिया होने के साथ अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसके बारे में बाहर की दुनिया के लोग अनजान है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि स्लम्स में रहने वाले लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना ना आने के बावजूद धारावी में ऐसे लोग हैं जो कुशल मजदूर है और इनके काम के बारे में काफी लोग जानते नहीं है। आप इस बात पे हैरान रह जाएंगे कि धारावी में 10-20 नहीं तो टोटल 20,000 छोटी फैक्ट्रीज हैं, और ये फैक्ट्रीज ऐसी है जो छोटे पायनामे पे चलती है, जहाँ पे बड़े मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता है और छोटे मशीन्स के इस्तेमाल से लोग बिजनेस करते हैं। जैसे लोग लेदर से बनी चीजें, कपड़े स्टिच करना, एम्ब्रॉयडरी करना, ऐसे काम करते हैं। अब स्लम एरिया में जगह ही छोटी होती है तो लोग ज्यादा हैंडमेड आर्टिकल्स बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा धारावी ऐसा स्लम एरिया है जहाँ पे पानी और लाइट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए लोग छोटे पैमाने में कर सके ऐसा काम करते हैं। धारावी में रूम की साइज 12x10 फीट होती है और इतने से रूम में एक छोटी सी फैक्ट्री सेट की जाती है। जैसे कम से कम 10 लोग एक रूम में कपड़े सिलाने का काम करते हैं या फिर हैंडमेड टेक्सटाइल का काम करते हैं। ज्यादातर महिलाएं एम्ब्रॉयडरी और मिट्टी की पॉट्स बनाने का काम करती है। एम्ब्रॉयडरी से बनी चीजें और मिट्टी के बर्तन आज भी मार्केट में इनकी वैल्यू है। धारावी के फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की इनकम भी 6,000 से 15,000 तक की होती है, मतलब इन पैसों से एटलीस्ट उनका रोज का खर्चा चल जाता है। कुछ वर्कर्स को डेली पेमेंट मिलता है और कुछ को मंथली सैलरी मिलती है, और कुछ छोटे व्यवसाय यहाँ पे काफी सालों से भी चले आ रहे हैं। धारावी में कम से कम 5,000 छोटे बिजनेस है और 15,000 छोटे रूम में फैक्ट्रीज है, जिस कारण साल भर में कम से 50 लाख का इनकम होता है। और स्लम एरिया में रहने वालों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है, इसीलिए ये लोग अपने घर में या अपने एरिया में छोटे बिजनेस करते हैं। अगर इनको टैक्स भरने से छूट है तो सारी इनकम जाती कहाँ है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन बर दिन महंगाई काफी बढ़ रही है, काफी लोग अपना जीवन स्तर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इनका मेजोरिटी इनकम बच्चों की एजुकेशन, लाइट बिल, खाना और कपड़े का खर्चा, ऐसी नॉर्मल जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जाते हैं, जिस कारण ये लोग स्लम से निकल के अच्छे घर नहीं ले पाते। और जो लोग बच्चों को ज्यादा फीस पे करके स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उनके लिए लोकल बिजनेसमैन उनके एरिया में स्कूल चालू की है, जिस कारण सब बच्चे पढ़ लिख सके। तो इस तरह से धारावी में छोटे पैमाने में होने वाले बिजनेस भी साल भर में काफी प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पे कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो काफी सालों से फैमिली बिजनेस भी रहे हैं। और एक जरूरी बात, यहाँ पे लोग रिसाइकलिंग होने वाली चीजें भी बनाते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब लोगों के पास बड़े मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, पर अपने खुद की मेहनत से छोटे बिजनेस करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। धारावी इस जनरेशन में शायद नहीं बदल पाएगी, लेकिन इनके मेहनत और हुनर देख के आने वाली जनरेशन को काफी उम्मीद मिलेगी। तो अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।